भाई मैं बच जाऊंगा ना? घबरा मत छोटे, ऐश कर ऐश। लेकिन भाई मेरा केस जस्टिस प्रताप सिन्हा के कोर्ट में है, और सुना है उसके चुंगल से कोई मुजरिम बचकर नहीं गया। और तेरे भाई डीवीएम का भी ये रिकॉर्ड है कि उसने आज तक हर मुकदमा नोट फेंक कर जीता है। दिलचस्प मुकदमा होगा ये छोटे, जस्टिस प्रताप सिन्हा की ईमानदारी को तेरे भाई की ताकत झुका कर रख देगी। यस, मैं जस्टिस प्रताप सिन्हा जी का पीए बोल रहा हूँ। मैं प्रताप सिन्हा साहब से बात करना चाहता हूँ। देखिए इस वक्त वो बहुत बिजी हैं, चाय भी पड़े पड़े थम्सअप बन गई है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। उनसे कहिए कि डीवीएम का फोन है। सर डीवीएम। हेलो जज साहब, आज आपसे मिलने की तमन्ना है। आज तो मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आपका एक एक पल कितना कीमती है। आप ठीक 11 बजे कोर्ट पहुंचते हैं, इसलिए 10:30 बजे अपने घर से निकलते हैं। अगर आज आप 5 मिनट पहले अपने घर से निकलें तो रास्ते में ही डीवीएम हाउस पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक कप चाय पिएं, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। चाचा मैंने तुम्हारे बहुत चर्चे सुने हैं डीवीएम, आज मुलाकात कर ही लेते हैं। जज साहब, बहुत नाम सुना था आपका, हर अखबार की हेडलाइन में बस आप ही के बारे में पढ़ता रहता हूं। सच पूछिए तो यह मेरी बदकिस्मती है जो अब तक आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके आने से मुझे कितनी खुशी हुई है। बैठिए। वैसे मुझे चाय पर बुलाने का कोई खास मकसद था? तुम्हारा भाई एक खूनी है और तुम चाहते हो कि अदालत उसे बाइज्जत बरी कर दे। बहुत खूब जज साहब, बहुत खूब। आप यही चाहते हैं ना कि दुनिया को हमारे ताल्लुकात नजर ना आए? तो नहीं आएंगे, ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जज साहब, कोर्ट में इंसाफ की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपको 10 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उधर आप 10 सीढ़ियां चढ़े और इधर 1 करोड़ रुपया आपके घर पर पहुंच गया, यानी कि 1 सीढ़ी का 10 लाख। ऐसा है तो समझिए आपका भाई बरी हो गया। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, यह केस जितना संजीदा है उतना पेचीदा नहीं। गांधीनगर में रहने वाली भारती देवी, जो एक जर्नलिस्ट थी, कटहरे में खड़े हुए जालिम इंसान के जुल्मों का शिकार होकर मार डाली गई। मुलजिम जग्गी और उसके भाई डीवीएम के काले कारनामों की खबरें भारती देवी खुले अल्फाज में अखबारों में छापती रही, इसलिए इन्होंने टेलीफोन पर भारती देवी को जान से मार डालने की धमकियां दी। और जब भारती देवी पर इनकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ तो 12 दिसंबर के दिन मुलजिम ने अपने साथी को साथ मिलकर बस डिपो के इंचार्ज को मारा पीटा और एक बस लेकर फरार हो गए। और उस बस में भारती देवी को धोखे से गांधीनगर ले जाया गया। योर ऑनर, और ये है वो न्यूज़पेपर जिसमें डीवीएम और उसके भाई जग्गी के काले कारनामों की दास्तान छपी हुई है। और ये है वो टेप रिकॉर्डर जिसमें भारती देवी को फोन पर दी जाने वाली धमकियां
आप आसानी से सुन सकते हैं। मिस भारती, ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझको। अगर इसके बाद फिर कभी तूने किसी अखबार में मेरे और मेरे भाई के खिलाफ लिखने की जरूरत की तो मैं तुझे ऐसी भयानक मौत दूंगा कि लोग सिर्फ चक्की का नाम सुनकर ही कांप उठेंगे। योर ऑनर, सारे सबूत पेश करने के बाद मेरे पास कुछ कहने को है तो सिर्फ एक दरख्वास्त रह गई है। एक दरख्वास्त है योर ऑनर कि मुलजिम जग्गी को सजाए मौत दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, तेरे काबिल दोस्त से किसी हारे हुए नेता की तरह एक लंबा चौड़ा भाषण देकर मेरे मौकिल जग्गी साहब को कातिल साबित करने की एक जबरदस्त कोशिश कर डाली। वाह, मगर यह तो कोई बात नहीं हुई। योनर, भारती देवी जग्गी साहब और डीवीएम साहब के काले कारनामे अखबार में छापती रही। चलो मान लेते हैं उन अखबारों को अदालत में पेश कर दिए गए, ये भी मान लेते हैं, मगर ये कोई बात नहीं हुई। ऑनर, अखबार में छपने वाली खबरों को सबूत का दर्जा दिया जाए, और ये जरूरी भी नहीं कि हर खबर सच्ची भी हो। जग्गी साहब और डीवीएम साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, राजनीति में उनका बहुत बड़ा नाम है, और ऐसे शरीफ लोगों पर एक दो रुपए में बिकने वाले अखबार के जरिए बड़ी आसानी से कीचड़ उछाला जा सकता है। ऑनर, जरा सोचिए आज की तारीख में किसी को बदनाम करने का यह रेट कितना सस्ता है। योर ऑनर, जो टेप खुद मुलजिम जग्गी के गुनाहों को अदालत के सामने पेश कर चुका है, मेरे फाजिल वकील अदालत की तवज्जो उस टेप की तरफ से हटा नहीं सकते। ये तो कोई बात नहीं हुई। योर ऑनर, दुनिया में सिर्फ चेहरे एक जैसे नहीं होते, आवाजें भी एक जैसी होती है, और अगर ना हो तो आवाजें निकाली भी जा सकती है। मेरे काबिल दोस्त अभी तक तो कुछ साबित नहीं कर सके, लेकिन आवाजें एक जैसी निकाली जा सकती है यह साबित करने के लिए मैं हवालदार लोखंडे को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योनर, हवालदार लोखंडे सिर्फ एक हवालदार ही नहीं, एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। अक्सर पुलिस फंक्शन में यह मिमिक्री आइटम पेश करते रहता है, अलग अलग किस्म की आवाजें निकालने में यह माहिर है। हवालदार लोखंडे, भारती देवी नाम की एक पत्रकार आए दिन तुम्हारे खिलाफ अखबार में कुछ ना कुछ छापती रहती है, अब तुमको उसे जान से मार देने की धमकी देनी है। याद रहे, आवाज अलग अलग अंदाज में और अलग अलग किस्म की होनी चाहिए। मैग्नी साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई। बिगर मैं क्या बोलू। भारती डार्लिंग, अगर तुमने हमारे बारे में अखबार में जरा सा भी लिखने की कोशिश की तो हम तुम्हें भारत में रहने के वादे कर देंगे, और हाँ, यहां से मिलो दूर बलूचिस्तान ले जाएंगे जहां तुम्हें एक भी भारतीय नजर नहीं आएगा, समझे? ए छोकरी, बहुत नाज है तुझे अपनी कलम पर। मैं तुम्हारे सारे खानदान को तुम्हारे प्रेस में डालकर आग लगाकर भस्म कर दूंगा। तब मेरे दिल से आवाज निकलेगी, मोगैम्बो खुश हुआ। अरे वारी भारती, तुझे मैच मिली थी लिखने को, लिख 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 लिख, उसके बाद मैं तेरी तकदीर लिखूंगी। देखना, तुझे धंधे पे नहीं बिठाई, तेरा नथ नहीं उतरवाई तो मेरा नाम भी महारानी नहीं, अरे सदा के लिए तू सदा शू 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 पुर पुर करती रहेगी, देखना। बहुत अच्छे लोखंडे, अब तुम जा सकते हो। अच्छा। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ने ना किसी को कोई धमकी दी है और ना ही किसी का खून किया है। कमाल की बात तो यह है योर ऑनर, जिस खून के मुकदमे को लेकर यह अदालत चल रही है
जिस कत्ल को लेकर वकील साहब इस अदालत को गुमराह कर रहे हैं। जिस भारती देवी का खून हुआ है उस भारती देवी की लाश कहां है? कहां है उस भारती देवी की लाश? नहीं है, भारती देवी की लाश नहीं है योर ऑनर। भारती देवी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं थी जिसे मसल कर फेंक दिया गया हो। योर ऑनर, ना किसी का खून, ना कोई गवाह, ना हथियार, ना सबूत, ना कोई लाश, सिर्फ वक्त की बर्बादी। सिर्फ वक्त की बर्बादी। मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे खामखा फंसाया गया है योर ऑनर। ये तो कोई बात नहीं हुई। That's all, योर ऑनर, that's all. अदालत दो दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है डीवीएम, कि मुकदमे को दो दिन तक के लिए मुलतवी करने का क्या मतलब? रुपए तो उसके घर पहुंचा दिए गए थे, फिर प्रताप सिन्हा ने फैसला आज क्यों नहीं सुनाया? रंजीते, प्रताप सिन्हा एक जज है, जब तक सारे सबूत उसके सामने नहीं आ जाते वो फैसला नहीं सुनाएगा। रुपया उसके घर पहुंच गया ये हम जानते हैं, वो नहीं। तुम अभी तक प्रताप सिन्हा को समझे नहीं रंजीते, बहुत ऊंची चीज है। ए छोकरा, एक सोडा और तंदूरी लग रहा। ओ साहब, इधर शराब पीना मना है, अगर आपको पीना है तो बाहर जाओ। अबे एक क्वार्टर बाहर पीकर आया हूँ, एक क्वार्टर इधर पीऊंगा। देखो साहब, इधर पीना मना है। अरे मैंने कहा ना यही पीऊंगा, तुझे जो करना कर ले। साहब सुनता ही नहीं। भाई साहब, ये खाने का होटल है, शराब का अड्डा नहीं, आप यहाँ शराब नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? अरे तेरे को समझाया, समझ में नहीं आता क्या? उठ यहाँ से, हट। ए, क्या हो रहा है? हैं? क्यों इसे धक्का मारकर निकाल रहे हो? क्या पैसा नहीं है क्या तेरे पास? पैसा नहीं है क्या इसके पास? ये यहाँ बैठकर शराब पी रहा है। तो पीने देना। वो बात नहीं है साहब, मेरे पास बहुत अच्छे लोग फैमिली के साथ खाना खाने आते हैं, ये यहाँ बैठकर शराब पियेंगे तो लोग इन्हें शराब पीता देखकर क्या कहेंगे? अरे वो अखबार की रिपोर्टर भारती देवी का खून होते देखकर जब कोई कुछ नहीं बोला तो इसे शराब पीता देखकर कोई क्या बोलेगा? बिल्कुल सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। अरे भारती देवी एक देवी थी, देवी। इस बस्ती में जो लाइट जल रही है उसके दम से, इस बस्ती में जो पानी आता है उसकी वजह से, ना इंसाफी के खिलाफ लड़ती थी, आवाज उठाती थी वो, लेकिन आज उसके लिए लड़ने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, तो इसे शराब पीता देखने के लिए किसके पास वक्त है यार? अरे मुझे पूरी कहानी सुनाओ, मैं लड़ूंगा भारती देवी के लिए। क्यों मौत को गले लगाने की बात कर रहे हो? तुम नहीं जानते डीवीएम का भाई जग्गी कितना खतरनाक है? उसने सबके सामने भारती देवी की इज्जत लूट ली और उसका कत्ल करके उसकी लाश को जला डाला, तो फिर सोच लो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं यकीन हो रहा है। मालिक आप ही बताइए, ये बोल रहे हो सच है क्या? देखो भाई, इस होटल के सामने जो कुछ भी हुआ मैंने ही नहीं सारे मोहल्ले ने देखा है, ये बात सच है। लेकिन आप लोग मेहरबानी करके जाइए अभी, और आप लोग भी यार लफड़े की बात मेरी होटल में आने के बाद ना करें। देवी मर्डर केस को लेकर इस अदालत ने जो तहकीकात की है उससे यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जग्गी ने न सिर्फ भारती देवी का बलात्कार किया बल्कि उनका खून करके उनकी लाश को जलाकर सारे सबूत मिटा दिए। किसी भी सबूत को लेकर गवाहों के अदालत तक न पहुंचने की वजह मुलजिम जग्गी की दहशत जो लोगों के दिलों में बैठी हुई है। मुलजिम जग्गी के कातिल होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इनके बड़े भाई डीवीएम ने जस्टिस प्रताप सिन्हा को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश की, लिहाजा यह अदालत
अंडर सेक्शन 120 बी सेक्शन 27/4 और दफा 302 के तहत मुलजिम जग्गी को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे भाई को बरी कर दूंगा, सो कर दिया। तैयारी हो रही है हुँ? कहीं नहीं, यूं ही। यूं ही? और यूं ही जाने के लिए इतनी सारी तैयारी? अच्छा बताओ, हाँ? ये कोट अच्छा लगेगा या ये कोट अच्छा लगेगा? हुँ? सभी कोट अच्छे लगेंगे, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? सुजाता, इस कोट के साथ ये टाई कैसे लगेगी? सभी टाई अच्छी लगेगी, लेकिन जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ? देखो यार, जब एक मर्द शाम को बंठन कर जाए तो समझा करो यार। समझा करो यार। और उस आदमी को ये भी समझना चाहिए कि वो शादीशुदा है और उस आदमी को अपनी बीवी को साथ ले जाना चाहिए। चलो। एक मिनट। जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। हा? वो सिर्फ मर्दों की पार्टी है। सिर्फ मर्दों की पार्टी? अरे मगर वहाँ कोई तो अपनी बीवी को लाएगा ना। हाँ, कोई नहीं लाएगा। कोई नहीं मतलब वहाँ कोई औरत ही नहीं होगी? होगी। हाँ? सिर्फ एक औरत होगी। सिर्फ एक औरत। प्रताप देखो, बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। हाँ। अच्छा, जुर्म तो कबूल करना ही पड़ेगा। देखो सुजाता, जो औरत वहाँ आ रही है वो एक मिनट। क्या जस्टिस प्रताप सिन्हा यही रहते हैं? जी कहिए, मैं उनकी बीवी हूँ। आप जरा उनको बुलाइए, मेरे पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट है। जस्टिस प्रताप सिन्हा के नाम का वारंट? देखिए मैडम, जज हो या कोई मामूली इंसान, कानून सबके लिए बराबर होता है। क्या बात है सुजाता? इंस्पेक्टर के पास आपके नाम का वारंट है। मेरा कसूर क्या है? आपका कसूर ये है कि आप अदालत में इंसाफ करते हैं और घर में ना इंसाफी करते हैं। कैसी ना इंसाफी? अरे नो पिकनिक, नो पिक्चर, नो एंटरटेनमेंट एट ऑल। आपने कभी ये भी सोचा है आपके घर में आपकी बीवी के साथ एक बहन भी रहती है? एंटरटेनमेंट की बच्ची खुद तो दिन रात चोरों चक्कों और मुजरिमों के साथ उलझती रहती है और कसूर मुझे नहीं आती है। क्या करो भैया, अपना काम ही कुछ ऐसा है कि हंसी मजाक कर करके अपने आप को एंटरटेन करना पड़ता है। कल रात कहाँ थी? एज यूजुअल किसी केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन रुकना पड़ा। तुम जाकर आराम करो, मेरे कोर्ट जाने का वक्त हो गया। ओके बाय, गुड डे। अरे भाभी तुम नहीं जा रही हो? नहीं, मेरे कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। गुड डे टू यू टू। बाय बाय। साहब, दाद देता हूं आपकी हिम्मत और बहादुरी की, वरना ऐसे खतरनाक मैटर में तो अच्छे अच्छे लोगों की जुबान बदल जाती है। कोई भी आदमी
गवाही देने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता। दरअसल गवाही देने वालों की बुजदिली ही कातिलों के हौसले बुलंद करती है, इसी वजह से आपने मुझे बुलाया सर। तुम्हें अर्जेंट फोन करके बुलाने का मकसद यह था कि स्टार शिपिंग कंपनी के पार्टनर मिस्टर मल्होत्रा का मर्डर हो गया है और उसके चश्मदीद गवाह हैं जज साहब। आप कातिल को जानते हैं? जानता तो नहीं, लेकिन मैंने आर्टिस्ट को उसको हुलिया बता दिया है, वो उसका स्केच बनाकर आता ही होगा। सर ये रहा उस कातिल का स्केच। क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम इसे जानती हो? जी सर, बहुत अच्छी तरह से। इनका नाम सुनील है। जज साहब, एक बार फिर आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए, जिस आदमी ने कत्ल किया था क्या वो यही आदमी था? अरे श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। मेरी आंखों के सामने इस आदमी ने कत्ल किया है और मेरे बताए हुए हुलिये पर उसका स्केच बनाया गया है और ये स्केच हूबहू उसी आदमी का है। इट्स वेरी क्लियर अश्विनी। यस सर। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू वेलकम। इंस्पेक्टर अश्विनी, ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, वो जहां कहीं भी हो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। यस सर। जी मैडम। स्टार शिपिंग कंपनीज के मैनेजर को फौरन बुलाओ। जी अच्छा।
को सपनों की गलियों में मैं ढूंढ रहा था तुझको फूलों में गलियों में मैं ढूंढ रहा था तुझको सपनों की गलियों में मैं ढूंढ रहा था तुझको फूलों में गलियों में सजनी के मौसम अच्छा नहीं लगता ये फूल ये गुलशन अच्छा नहीं लगता सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता माइला ये भी खाली ये लॉकअप खाली क्या करे लॉकअप खाली रखने को हमको रखा इधर बड़ा सब राउंड अप भी आएगा तो क्या मुंह दिखाएगा उसको हैं जाओ सड़क पर जो दिखेगा उसको उठा के लेके आओ इधर जाओ हरे ये जा माइला ये वो बस्ती का दादा किधर है रे क्यों नहीं आया अभी तक वो क्या पुलिस से मिलने को टाइम नहीं उसके पास क्या हमसे भी बड़ा दादा है वो जाओ लेकर उसको भी करे तो दे जी आएला हरे जी सर हरे सुनिए हाँ मेरा नाम रमेश गोयल है मैं स्टार शिपिंग कंपनी का मैनेजर हूँ मुझे इंस्पेक्टर अश्विनी जी से मिलना है आप पहले हवादार लोखंडे साहब से मिल लीजिए थैंक यू सो मेनी वांटेड पीपल आर देयर एंड फुल लॉकअप इज एम्प्टी द माइला वेरी बैड आप ही हवादार लोखंडे हैं तो तुम हो जी हाँ थैंक यू वेरी मच जब तक बैठने को नहीं बोलता इज्जत से खड़े रहने का ये पुलिस स्टेशन है तेरा बाप का घर नहीं है ना तुम इधर प्राण है ना हम इधर अमिताभ बच्चन है मैं हवादार लोखंड अन लोखंड से टकराएगा तो पोस्टर की तरह चिपक जाएगा लेकिन हवादार साहब राम बोलता है तेरे को पुलिस स्टेशन में इसलिए बुलाया है तेरा आजाद नगर में और गोल्डन नगर में बहुत दादागिरी चल रही है अगर सारी बस्ती को तू डराएगा तो हमसे कौन डरेगा तू सिर्फ आजाद नगर में दादागिरी कर अन गोल्डन नगर मेरे को दे दे वरना तेरा पाव काट के हाथ की जगह लगाएगा मैं लेकिन हवलदार साहब क्यों आखिर मेरा कसूर क्या है तूने जिसका पेट फाड़ा था उसका क्या कसूर था कुछ नहीं
तूने जिसकी दुकान लूटी थी उसका क्या कसूर था? कुछ नहीं। तूने जिसके दांत तोड़े थे उसका क्या कसूर था? कुछ नहीं। अनपुष्टा कसूर क्या? ये तेरा आंख है ना, फोड़ के हाथ में दे डालूंगा मैं। और ये तेरे पीले पीले केले के माफिक दांत है ना, तोड़ डालूंगा मैं, समझा? ये सांड का माफिक नाक क्या फुला दे, मुझे बोल चल। हवलदार साहब, मैं कोई दादा वादा नहीं हूँ। मेरा नाम रमेश गोयल है, रमेश गोयल। मैं स्टार शिपिंग कंपनी का मैनेजर हूँ। हाँ मैनेजर, मुझे यहाँ इंस्पेक्टर अश्विनी जी ने मिलने के लिए बुलाया है। हाँ, अरे पहले बोलने का नहीं, खाली पकड़ मेरे हाथ से मार खाता था ना। अरे मुझे क्या मालूम था? मेरे को क्या मालूम पड़ता है आजकल, मालूम नहीं शरीफ कौन है, गुंडा कौन है। अश्विनी साहब को मिलना है ना। हाँ। वो उधर बैठी है, जाके मिलो, मेरे बारे में कुछ बोलने का नहीं है। ठीक है ठीक है, नहीं बोलूंगा, सॉरी। ये लॉकअप खाली रहने से मेरा भेजा खाली होता है। ये साला दादा किधर गया? ये मुझे क्यों बुलाया? पहचाना मुझे? आजाद नगर और गोल्डन नगर का किंग हूं मैं। कौन बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। गोल्डन नगर हवलदार लोखंडे तुम्हारा नाम है? नहीं बुलाया और बोलता नहीं बुलाया? बुलाया बुलाया, चाय पिलाने को बुलाया है। बैठो बैठो बैठो। ए, एक चाय मलाई मर के फर्स्ट क्लास, इधर चाय बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। कैसे हैं आप? आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। इंस्पेक्टर, मैं स्टार शिपिंग कंपनी का मैनेजर हूँ। ये सुनील हमारे यहाँ सुपरवाइजर की हैसियत से काम करता है। इसके चाल चलन और कैरेक्टर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये एक नंबर का बदमाश और चर्ची है, जुआ शराब मारपीट तो ऐसे समझो जैसे कि माँ के पेट से सीख कर आया हो। मिस्टर मल्होत्रा के साथ इसके ताल्लुकात कैसे थे? बहुत खराब। एक तो ये यूनियन लीडर है, फैक्ट्री में मजदूरों को भड़काकर काम बंद करवा देता है। इसी बात पर इससे कई बार मल्होत्रा साहब की कहासुनी हो चुकी है। एक बार तो इंस्पेक्टर इसने मल्होत्रा साहब को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब मल्होत्रा साहब का खून हुआ तो ये सिगरेट पैकेट उनके हाथ। इंस्पेक्टर साहब, ये सिगरेट का पैकेट भी सुनील का है, जरा गौर से देखिए, इसमें भी चरस भरा होगा। इस वक्त सुनील कहाँ मिलेगा? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है खूबसूरत लड़कियां, पूरी की पूरी तनख्वाह उन्हीं पर लौटा देता है। तुम मिस्टर मल्होत्रा के खून के इल्जाम में, मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। इंस्पेक्टर तुम क्यों? सिर्फ अश्विनी कहने की हिम्मत नहीं है तुम्हें? मुझसे नजर मत चुराओ, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो सुनील। ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने हम दोनों के बीच सलाखों की ये दीवार खड़ी कर दी? मैंने मल्होत्रा को बीच सड़क पर कुत्ते की मौत मारा है, बस यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। ये झूठ है। यही सच है। तो फिर उस सच का क्या जो प्यार बनकर हमारे दिल में बसा हुआ है? निकाल के फेंक दो उसे, वो प्यार नहीं, एक मजाक था, और मजाक दिल बहलाने के लिए होता है, दिल में बसाने के लिए नहीं। लेकिन जो दिल में बस जाता है वो मजाक नहीं प्यार होता है, और मैंने तुमसे प्यार किया है। तो मैं क्या करूं, तुम्हारी बेवकूफी पर आंसू बहाऊं? मैं एक पचलन आवारा खूनी हूं, तुम जैसे भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार की चाल में फंसाना मेरी आदत है। मैंने जिंदगी को कभी सीरियस नहीं लिया। चली जाओ यहां से और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं क्या तुम्हें अकेला छोड़ू? तुमने खुद मुझे जिंदगी के ऐसे मोड़ पर अकेला छोड़ा है जहां से आगे मैं बढ़ नहीं सकती और पीछे हटने के काबिल नहीं रही। बहुत बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। नमस्कार भाई साहब,
मेरा नाम सत्यदेव है। हम वोट मांगने नहीं आए। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम सत्यदेव है और इनका नाम कथाराम है। हम दोनों सत्यकथा नाम की एक मैगजीन निकाल रहे हैं, जिसकी हर कहानी सत्य पर आधारित होती है। हम एक लड़के के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसका नाम है सुनील। वो हलकट गुंडा मवाली। उसके चाचा चाची का कहाँ है? ऊपर। अपने भाई के मरने के बाद मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, नौकरी लगवाई और उसका ये सिला दिया है हमको। नौकरी पर भी वो काम कम और झगड़े ज्यादा किया करता था। कई बार पुलिस हमारे घर आ चुकी है, बस्ती वालों को डरा धमका कर सारे उनके पैसे छीन लेता था। अच्छा हो गया जेल में चला गया, कम से कम मोहल्ले की बहू बेटियां और शरीफ लोग सुख से तो रह सकेंगे। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। ऐसी भी क्या मजबूरी है, जवान बहन घर में बैठी है, इसकी जरा भी उसे फिक्र नहीं। और हमने उससे आज तक एक कौड़ी नहीं मांगी। हमारा भाई ऐसे खूनी को पैदा करने की बजाय बे औलाद होता तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मल्होत्रा का खून मैंने ही किया है, मैं ही कातिल हूं और मुझे अपना गुनाह कबूल है। तमाम सबूतों, गवाहों और खुद मुलजिम के किरारे जुर्म से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम सुनील ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर मल्होत्रा का खून किया। लिहाजा यह अदालत मुलजिम सुनील को दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। बड़ी मुबारक हो, मुबारक हो, तुम 8 दिन के बाद आजाद होने वाले हो। आजाद? जिंदगी की जेल से आजाद होने वाले हो। बड़ी हम उस हर फांसी लगने वाले को मुबारकबाद देते हैं। बड़ी उम्र कैसे तो अच्छा है ना। बड़ी मरने वाला मर गया तो क्यों उदास होता है? चल खाने का टाइम हो गया है, चल खाना खाते हैं। अरे बड़ी सब ठीक ठाक है ना? और सब खैरियत है ना? और कोई तकलीफ तो नहीं आपको? अरे बड़ी कागज कितने दिन छूटने में है? अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे बड़ी, अरे क्या करता है, क्या करता है बड़ी, क्या करता है? ठहर जा तू। क्यों? तेरे को यहाँ का कायदा कानून नहीं मालूम? यहाँ सबसे पहले मंगल सिंह खाता है। ये मंगल सिंह चीज क्या है? क्यों पूछता है बेटा, इनकी बात मान लो और मंगल के आने का इंतजार करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो हंसते हंसते फांसी की सजा कबूल कर गया उसे अंजाम से डरा रहे हो चाचा? खाना लगाओ। वही खड़े। तुम साला अपुन के ऑर्डर के बिगैर सबसे पहले खाने का हिम्मत कैसा किया रे? ये श्रीलंका फेंक के मारू। जानता है अपुन कौन है? जानते है कौन है? मंगल सिंह का नाम तो सुना छोएगा ना तू? अपुन है, अपुन है, अपुन मंगल सिंह का राइट हैंड एंटोनी डबल। डबल? अपुन तो सिंगल पैदा हो गया था, पर अपुन का माँ है ना, अपुन के पैदा होने के बाद में डबल बच्चा पैदा किया, अमर अकबर और अपुन एंटोनी। अपुन जब डबल एक का था ना, यानी 11 साल का, डबल रोटी चोरी करके भागा था क्या? तभी अपुन ने कसम खाया क्रॉस पे कि दुनिया को डबल क्रॉस करके अपुन पेट भरेगा क्या? इसीलिए अपुन का नाम एंथोनी
बोल डबल डबल। तो मैं क्या करूं? ए अपन से डर, डरने का डरना रे, डरना रे बाबा। तो तुम ही हो जज प्रताप सिन्हा के खूंटे के बकरे। सुना है तुम्हें भी उसकी बहन ने गिरफ्तार किया है। हाँ। बहन और भाई दोनों कसाई हैं, कसाई। बहन हथकड़ी से हाथ बांधती और भाई कलम की छुरी चलाता है, कलम की। हम भी उन्हीं का शिकार हूं। अरे एंथोनी। यस बॉस। यह अपन का मेहमान है। समझ गया बॉस। हम दोनों के लिए खाना लाओ, आज हम इसके साथ खाना खाऊंगा। श्योर श्योर। आओ दोस्त आओ। ए, बड़ी क्या है? दो डबल थाली लगा, चल क्या है, हट। यहां भी डबल, चल दे। ये राजू नाम? ये हमरे बेटे का नाम है। आपका बेटा? बेटा ये ऊपर वाला है ना, हमेशा मंगल के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। कभी इतना सुख देता है कि संभाला नहीं जाता, कभी इतना दुख दे देता है कि दिल से निकाला नहीं जाता। सुख और दुख को महसूस करने वाला ये दिल अचानक पत्थर दिल कैसे हो गया, जिसकी वजह से पत्थरों की इन चार दीवारों में उसे आना पड़ा? हम अपनी जिंदगी में बहुत पाप किया हूं, लोगों का खून बहाना ही हमारा धर्म था। फिर मंजीत से हमारी शादी हो गई और राजू बेटा पैदा हुआ, और हमने फैसला कर लिया कि पाप की जिंदगी छोड़कर एक नई जिंदगी बनाऊंगा। मंजीत और राजू के प्यार ने खून बहाने वाले मंगल को ईमानदारी का पसीना बहाने वाला एक मजदूर बना दिया। बाबा, माँ की तबीयत भी खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा ये दवा लाने के लिए। ठीक है बेटे, तू जा माँ की देखभाल कर, मैं दवाई लेके आता हूँ। अच्छा। क्यों मंगल, बहुत जल्दी में लग रहे हो? पुराने दुश्मनों की खैरियत तो पूछो। देख तू अपना बदला फिर कभी ले लेना, हम खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। इस वक्त हमको हमारी बीवी के लिए दवाई लेने जाना है। तूने तो सब बुरे धंधे छोड़ दिए, तेरे पास पैसे कहां से आए? पैसे हैं हमारे पास, पैसे हैं। देख गंगू, ये हमारी मेहनत की पहली कमाई, पहली कमाई। देखो हाँ। देखो भाई लोग, मेहनत की कमाई, मेहनत की हाँ। ये गई तेरी मेहनत गंगुआ। मंजीत कैसे हो तुम? देखो
तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो हम दवाई लेकर आए हूँ, तुम दवाई ले लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये खून कैसा? हम तुम्हें बाद में बताऊंगा सब। तुम देखो, तुम दवाई ले लो, दवाई ले लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दवाई। मैं समझ गई, तुमने अपना पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया ना। तुमने मुझसे वादा किया था, मेरे और राजू की कसम खाई थी कि तुम्हारे उन गुनाहों के रास्ते पे तुम नहीं जाओगे, कभी खून खराबा नहीं करोगे, फिर ये क्या करके आए? ये सब झूठ है, ये सच है। सब गिरफ्तार कर लो इसे। मजीद, हमको गलत मत समझना, हम मजबूर था। हर गुनहगार मजबूरी की आड़ में गुनाह करता है, लेकिन तुम जैसे खतरनाक मुजरिम गुनाह करने के लिए मजबूरी का बहाना ढूंढते हैं। मंजीत, हमारा विश्वास करो। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हें अपने बीमार पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं आया, अपने मासूम बच्चे का कोई ख्याल नहीं आया। तुम नहीं बदल सकते, तुम नहीं बदल सकते। ले चलो इसे। नहीं जज साहब, ये जुल्म हमने जानबूझकर नहीं किया है। जज साहब टेक हिम, ये जुल्म के बदले हमें 1 साल की सजा मत दीजिए। जज साहब आप नहीं जानते, जज साहब ये 1 साल हमारे लिए उम्र कैद से कम नहीं है। हमारे बीवी बच्चे का कोई नहीं है जज साहब, वो हमारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। बड़ी मुश्किल से हम इस नरक से निकले हैं जज साहब, दोबारा हमें इस नरक में मत धकेलिए जज साहब। हमारे बीवी बच्चों पर रहम कीजिए जज साहब, हम पे रहम कीजिए जज साहब, हम पे रहम कीजिए। हम बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, मगर उस प्रताप सिन्हा ने हमारी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। वो चाहता तो ईमानदारी की जिंदगी अपनाने वाले मंगल के माथे पर बदनामी का दाग नहीं लगाता, वो चाहता तो हमारी मंजीत और हमारे बेटे राजू को हमसे अलग नहीं करता, मगर उस हरामजादे ने वही किया और हमें इस काल कोठरी में कैद कर दिया। हमरे जेल आने के बाद लोगों ने हमारी पत्नी का जीना हराम कर दिया, उसे मंगल की पत्नी नहीं एक खूनी गुंडे की पत्नी का नाम दिया और तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली और हम तबाह हो गया, तबाह हो गया, हम तबाह हो गया। हम चाहते तो अपनी जान ले सकते थे, मगर नहीं, हमें जिंदा रहना है उस हरामजादे प्रताप सिन्हा से बदला लेने के लिए। हमें जिंदा रहना है अपने बेटे राजू के लिए। पता नहीं हमरे कलेजे का टुकड़ा राजू इस वक्त कहां होगा। अंकल। क्यों राजू, क्या हो रहा है, पढ़ाई के खेल? अंकल दोनों हो रहा है। वेरी गुड, तुम इसे लेकर घर चलो, मैं जेल जाकर आता हूँ। ओके अंकल। आप तो चोरों को जेल भेजते हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं? बेटे वो इसलिए कि तुम्हारे अंकल चोरों डाकुओं पर एक किताब लिख रहे हैं। और वो किताब लिखने से पहले मुझे उन लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ता है, और वो इंटरव्यू लेने के लिए मुझे जेल जाना पड़ता है। ये लो बॉल और जाओ इनके साथ। ओके। अरे चाचा, एक लेखक आ रहा है, हमारे फोटो वोटो छापेगा अखबार में। अबे पेपर में तेरा फोटो तो वांटेड में छापा है, उससे तेरा पेट नहीं भरा। सारे कैदियों को आपका बेसब्री से इंतजार है जज साहब, आइए। नमस्ते। प्रताप सिन्हा, सुन, भैया जेल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उससे आपने क्या अंदाजा लगाया? जिंदगी में मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि कहीं मैंने अपने फैसले में कोई गलती तो नहीं की है।
एक कातिल जिसे मैंने सजाए मौत दी है, भला वो मेरी जान क्यों बचाएगा? आपके इस क्यों का जवाब या तो भगवान दे सकता है या फिर खुद सुनील। नमस्ते जैसा। नमस्ते, कहिए। मुझे डीवीएम ने भेजा है, कल उनका जन्मदिन है और इस खुशी में उन्होंने एक शानदार पार्टी दी है। शहर के बड़े बड़े लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। डीवीएम ने कहा है कि आपकी मौजूदगी से इस पार्टी में रौनक आ जाएगी। ये रहा इनविटेशन कार्ड। कहीं ये भी उसी टी पार्टी की तरह तो नहीं है? नहीं नहीं जैसा, वैसी बात नहीं है। इन मामलातों में डीवीएम का जवाब नहीं, गुजरी हुई बातों को वो भूल जाया करते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं भूलते, जैसे कि आप। मैं भूलने वाली चीज भी नहीं हूं। एनीवे, डीवीएम से कह दीजिए मैं जरूर आऊंगा। मजा आ गया जी साहब, डीवीएम साहब आपका जन्मदिन मुबारक। आइए आइए जज साहब, आइए। जन्मदिन मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। डीवीएम, मैं मशरूफ जरूर हूं लेकिन मगरूर नहीं, जो आपकी दावत को ठुकरा देता। वैसे भी आप लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदालतों और पुलिस स्टेशनों की रौनक आप लोगों से ही बनी हुई है। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। आइए मैं आपको अपने खास मेहमानों से मिलाऊं। ये है अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब ये हैं। भला इन्हें कौन नहीं जानता, इनकी जिंदगी की डिक्शनरी में ना इंसाफी नाम का कोई शब्द नहीं। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू टू। और ये है मिस्टर लांबा। हेलो। ये मिस्टर टोपी वाला। हेलो, प्लीज टू मीट यू सर। और जज साहब, इनको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे।
नहीं अब नहीं तुम बच पाइयो अरे बबुआ हाँ तुम हो पंछी हो हम है शिकारी हो अब की बाजी हो हमने मारी हो अरे मुश्किल होगा हो तेरा जीना हो किस तेरा नाम होगा नाम बदनाम होगा बन गया तू एक मोहरा ये बस्ती के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बस्ती के लोग नहीं हैं जज साहब, ये मेरे चक्रव्यूह के सिपाही हैं। ये लोग सुनील के रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि ये लोग तो सुनील को जानते तक नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? रिलैक्स जज साहब, रिलैक्स, सब कुछ बताता। ये कहानी उस दिन शुरू होती है जिस दिन मेरा भाई आपकी अदालत में पेश हुआ था। आपके इंसाफ ने उसे सजाए मौत दे दी और नोटों से लदी हुई उसकी लाश सूद समझकर आपने मुझे वापस भिजवा दी। बहुत तड़पा था मैं, कलेजा फट के रह गया था मेरा। जी तो चाहता था कि अपने खूंखार कुत्ते भिजवाकर आपको और आपके परिवार को खत्म कर दूं, जला के राख कर दूं कानून की हर उस किताब को जिसने प्रताप सिन्हा जैसे ईमान पसंद जज को जन्म दिया। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जंग को जज्बात से नहीं बल्कि एक जज को मुजरिम साबित करके जीतना चाहता था। और आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया जज साहब। सुनील को खून के जुर्म में आपने सजाए मौत दे दी, और जानते हैं सुनील बेकसूर है, निर्दोष है वो। ये नहीं हो सकता, तू कहना क्या चाहता है? नहीं जज साहब नहीं, मेरे मेरा दामन पकड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। पकड़ना है तो मौत को जाकर पकड़ो, जो बड़ी तेजी से सुनील की तरफ बढ़ रही है। जज साहब, उसे फांसी हो जाएगी और तुम जैसे इंसाफ के पुजारी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और उसके बाद यह डीवीएम अदालत में सही कातिल और सही सबूत लेकर आएगा और दुनिया को बताएगा कि वो प्रताप सिन्हा जिसकी लोग कस्बे खाते हैं उससे कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। अपनी बहन के गरीब प्रेमी को जानबूझ के सजाए मौत दे दी, और उस दिन के बाद मरते दम तक तुम्हें नींद नहीं आएगी प्रताप सिन्हा। करवटे बदलोगे, तड़पते रहोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा जमीन तुमसे चीख चीख कर कहेगा कि तुम जज नहीं मुजरिम हो, मुजरिम मुजरिम हो तुम। मुबारक हो मंगल, आज तुम इस जेल से रिहा हो रहे हो, और यही कसम खाकर अपने कदम बाहर निकालो मंगल कि आइंदा से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हें दोबारा जेल का मुंह देखना पड़े। अब जेल का मुंह तो देखना ही पड़ेगा जेलर साहब, क्योंकि जेल अब हमारा मुकद्दर बन गया है, और अपने मुकद्दर से कोई आंख नहीं चुरा सकता। आप हमारे उस कोठरी की दीवार पर लिखे बेटे का नाम मत मिटाना, हम बहुत जल्दी उसी कोठरी में आने वाला हूं जेलर साहब, बहुत जल्दी। एंथनी, ये तू बाहर कब आया, और ये मूछ लगाकर हवलदार कब से बन गए? अरे हवलदार हूँ मैं, मगर ये एंथनी बोल के मेरा बेइज्जती नहीं करने का। मेरा नाम अमर लोखंडे बिगड़े शब्द का। यानी कि ये तेरा मूछ असली? असली बोलेगा तो ये मूछ क्या करेगा मालूम है? जब भी मैं इन्हें देखूं तो मेरे को एंथनी दिखने नहीं मांगता है, अमर लोखंडे दिखने मांगता है बिगड़े शब्द का। बात कर, मगर यार तू तो हूबहू एंथनी लग रहा है। हमारा बाप भी हूबहू था, वो हूबहू था इसलिए हम दोनों हूबहू लगता है। हम दोनों हूबहू नहीं लगेगा तो तुम और हम हूबहू लगेगा। बात करता है, चलो हूबहू। अरे उस्ताद बस के अकेले अकेले भाग रहे ले, अरे मेरी भी तो सजा खत्म हो गई ना, बोला साथ में चलेंगे। आ, आ, देखा हूबहू। तो तू जेल से बाहर आ गया ना, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है बे? अभी तो जेलर साहब से ही जाके बोलेगा ना कि एंथनी को जिंदगी और बाहर नहीं निकालना। हाँ उस्ताद आप चलिए,
मैं आपको पुराने अड्डे पे आके मिलता हूँ। पहले इस कानून के डंडे से तो निपट लूं मैं। हाँ निपट ले निपट ले। ओए क्या बोलता बे? तू जैसे मामूली चोर के साथ बात करने को अमर लोखंड अपने उसूल और आदर्श अपने कानून के खिलाफ समझता है? मेरे को शर्म आती तेरे को भाई बोलने को? अपन को इतनी गिरी हुई नजर से मत देख मेरे भाई। अरे हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए ना बड़े बड़े नेता जेल के अंदर आए ले। अपनी वर्दी पे इतना मत इतरा, उसूल की बात कर रहे ले। अरे तेरा उसूल और ये कानून है ना, तेरे आदर्श, इसको गोंद के दो तंदूरी रोटी नहीं बन सकती। आज हम दोनों के बीच में जो दीवार है ना, वो इस जेल की दीवार से बहुत ऊंची है और हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते बिगर रिश्वत के। किसको रहने का यार है? अरे इसी जेल की दीवार के पीछे बचपन आ गया, गोटियां खेलते खेलते अपना। तेरे को हवलदार पांडू उठा के ले गया, मैं पास्तोल के अड्डे पहुंच गया और उस पर दर्जी ने उसको उठा के ले गया। अरे तेरे पास क्या है यार? क्या है? धोखा की वर्दी, जूते, ए डंडा, ए टोपी? देख मेरे पास, देख मेरे पास। पैसा है, नाम है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है और एक साड़ी पहनने वाली भी आ रही है। क्या है तेरे पास यार? हाँ मेरे पास तो माँ भी नहीं है। माँ? माँ का कुछ पता चला? अबे अंदर मैं था या तू? हवलदारों के माँ को ढूंढे सकता तू? अब क्यों ढूंढेगा तू? तू तो कानून का बेटा हो गया है ना, और वो चरसी उसी चरसी से फुर्सत ही नहीं। एक खुटा सिक्का ही माँ को ढूंढ के लाके देखना बगैर रिश्वत के। जज साहब फांसी में तो अभी वक्त है, आखिरी ख्वाहिश पूछने बहुत जल्दी चले आए। मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारे अंदर सोई हुई जीने की ख्वाहिश को जगाने आया हूं। कानून का सिपाही एक कातिल का मसीहा बनकर आया है? जज साहब मुकद्दर के फैसले स्कूल के बच्चों के स्लेट पे लिखे नहीं जाते, जिसे जब चाहे मिटा दिया। जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल देना मुकद्दर का फैसला नहीं बेवकूफी का फैसला है। इन कागजात पर साइन करो। क्या लिखा है इन कागजात में? तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हो कि तुम निर्दोष हो, दरअसल मैं तुम्हारा केस रीओपन करना चाहता हूँ। मैं अपने जुर्म का इकरार कर चुका हूँ, कल मुझे फांसी होगी, मुझसे हमदर्दी करके कोई फायदा नहीं। जज साहब सुनील मैं कहता हूँ इन कागजात पर साइन करो। नहीं। तो तुम इन कागजात पर साइन नहीं करोगे? नहीं। जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, कितनी बार कहूं मैं आपसे। डॉक्टर साहब सुनील कैसा है? सर पर चोट काफी गहरी आई है, नॉर्मल होने में 7-8 दिन लगेंगे। बाय द वे उन्हें चोट आई कैसे? डॉक्टर साहब मुजरिम बहुत चालाक है, वो जानता है कि कैदी जब तक जख्मी या बीमार हो उसे तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। इसी बात का फायदा उठाकर सुनील ने अपना सर सलाखों से टकरा टकरा कर अपने आप को जख्मी कर दिया ताकि उसकी जिंदगी कुछ दिन और मिल जाए। क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? जी हाँ। अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें जख्मी करके यहां लाने का मेरा मकसद तुम्हारी फांसी को मुलतवी करना था। सुनील ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? सोचो सुनील, अब तो तुम्हें सोचने का और भी वक्त मिल गया है। सोचो सोचो कि जिंदगी कितनी हसीन है। मैं तुम्हारा फैसला सुनने फिर आऊंगा। आज तुम्हें जेल ले जाया जा रहा है जहां तुम्हें फांसी होगी। मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद तुमने अपनी जबान नहीं खोली। सुनील मुझे अपनी हार का दुख नहीं है, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि तुम जीती हुई बाजी हार रहे हो। तुम्हारी खामोशी के पीछे क्या राज है वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी मौत पर मुझे बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस।
रुको, कहाँ जा रही हो? इंस्पेक्टर साहब, मुझे सुनील से मिलना है, मैं उसकी चाची हूँ। देखो, थोड़ी देर में उसे जेल ले जाने वाले हैं, क्योंकि कल उसे फांसी होने वाली है। आप एक काम कीजिए, आप जेलर साहब से कहकर उसे वहीं मिल लेना। नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस दो मिनट, मुझे मिलने। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है पवार, ये कैसा शोर है? मैडम, ये कह रही है मैं सुनील की चाची हूँ और उसे मिलने की जिद कर रही है। देखिए, बड़ी मेहरबानी होगी, दो मिनट मिलने दीजिए मुझे सुनील से। अच्छा ठीक है, मिलवा दो। ओके, आइए। जेलर साहब, ले जाइए अपने कैदी को। ले चलो इसे। जज साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं सुनील से अकेले में बात करना चाहता हूं। आई एम वेरी सॉरी जज साहब। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं वैन में बैठकर ही रास्ते में बात कर लूंगा। ठीक है, आइए आप। बोलो सुनील, क्या कहना चाहते हो? चाचा, दुनिया में मेरी छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। वो मेरे चाचा और चाची के घर पर रहती थी। उसी की वजह से मैं शहर आया और स्टार शिपिंग कंपनी में मैंने नौकरी कर ली। एक दिन जब मैं ड्यूटी पर था, कल तक मुझे सिर्फ शक था सुनील, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया है। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाकर उस आदमी का फैसला कर दूंगा। कौन है वो सर? सुनील, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। डीवीएम, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। बिजनेस का सहारा लेकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये देखो तुम्हारे काले कारनामों की करतूत। सुनील साहब, चाची आई है। चाची? हाँ। कहाँ है वो? ऑफिस वाला कमरा है ना, उसके पीछे बिठाया हूँ। चाची? सुनील, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। तुझे तो पता है कि तेरी बहन की शादी को बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। उसके ससुराल वाले 2 लाख रुपयों की मांग कर गए हैं और कहने लगे कि बारात आने के बाद अगर 2 लाख रुपये उन्हें नहीं दिए जाएंगे तो बारात वापस लौट जाएगी। नहीं चाची, ऐसा नहीं हो सकता। बेटे, कुछ भी कर, किसी भी तरह से 2 लाख रुपयों का इंतजाम कर दे, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर बारात वापस लौट गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तेरे चाचा इस सदमे से बीमार हो गए हैं। और सुनीता, अगर उस लड़के से उसकी शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। बेटे, सुनील,
दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है सुनील। ये 2 लाख क्या है? 5 लाख का इंतजाम हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसी लालच में कि मेरी बहन की विदाई हंसी खुशी से हो जाए, मैं डीवीएम के इशारों पर चलता रहा। वो कहता गया, मैं करता गया। अंजाम यह हुआ कि आज मैं फांसी के तख्ते पर लड़कने जा रहा हूं। लेकिन ये बात तुमने अब तक मुझसे छुपाकर क्यों रखी? बात ही कुछ ऐसी है जज साहब, वरना आज भी मैं अपना मुंह बंद रखता। मेरे और डीवीएम के बीच कुछ बात तय हुई थी। मेरे जेल जाने के बाद वो मेरे रुपये मेरी चाची और बहन को देने वाला था। जब मेरी बहन और चाची उसके पास गए तो रुपये देने के बजाय उसने उन्हें कैद कर लिया। वो ये चाहता था कि मुझे फांसी हो जाए। जब मेरी बहन और चाची को इसका अंदाजा लगा तो वो बेचैन हो गए और उन्हें भागने की कोशिश भी की। डीवीएम के आदमियों ने उन पर गोली भी चलाई। मेरी चाची तो बच गई लेकिन मेरी बहन बच न पाई। ओह नो। आज जब अस्पताल आकर चाची ने मुझे सारी सच्चाई बताई, मैं पागल सा हो गया। डीवीएम ने मेरे उसी बहन को मार दिया जिस बहन के खातिर मैंने सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिए। लेकिन तुम्हें मल्होत्रा का खून करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। जज साहब, मल्होत्रा का खून मैंने नहीं बल्कि मेरे हमशक्ल डागा ने किया। डागा डीवीएम का खास आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इस राज को बताने में तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। सिन्हा एक मुजरिम को लेकर फरार। आज की ताजा खबर मसूर जज प्रताप सिन्हा एक मुजरिम को भगा ले गया। आज की ताजा खबर जज प्रताप सिन्हा एक मुजरिम को लेकर फरार। आज की ताजा खबर डीवीएम, ये देखो हर एक अखबार में प्रताप सिन्हा और सुनील के फरार होने की खबर छपी है। वो प्रताप सिन्हा जिसके नाम की लोग कसमें खाते थे, आज उसी के नाम पर लोग थू-थू कर रहे हैं। प्रताप सिन्हा की बदनामी पर खुश होने की जरूरत नहीं है रंजीते, खुश होने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिन्हा बहुत अकलमंद और शातिर खिलाड़ी है। वो सुनील को फांसी के फंदे से बचाने की मेहरबानी करके उससे सारा राज जानने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो डागा की तलाश करेगा। अगर डागा उसे मिल गया ना तो वो दुनिया के सामने हीरो बन जाएगा, साला हीरो बन जाएगा। सबसे पहले हमें डागा से मिलना होगा। पता लगाओ डागा कहाँ है। Thank you.
On how I feel when I'm in your arms, gives me a chill, just knowing that you want me by your side. It matters my mind and it has my pride. Girl, I need you more and more each day. Believe me when I tell you, I'm here to stay. I'm captured by your love when your pretty smile. The devil's got the beauty and the sweet profile. रात का मुकाबला डोगर पे रखा हुआ है। की बिटिंग 50 लाख रुपए की है, जिसमें 10 लाख तुम्हारे हैं। मगर होशियार रहना, तुम्हारा मुकाबला आज जॉन से है, जॉन जो 7 कत्ल कर चुका है। मौत का दूसरा नाम डागा है। तुम चाहे तो बेटिंग का दाम बढ़ा सकते हो।
वाह डागा वाह, आज फिर तुमने बाजी मार ली। जिंदगी और मौत की ये बाजी डागा हमेशा जीतते आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम्हारी इसी बात पर तो डीवीएम तुम पर फक्र करता है और करता रहेगा। बोलो डीवीएम, आज किसकी मौत आई है जो तुम डागा के पास चले आए? गाड़ी में आओ डागा, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता। ये तस्वीर वही मेरी हमशक्ल की है, जो खून तुमने मुझसे करवाया था उसके जुर्म में तो इसे फांसी लग चुकी होगी। फांसी लगने वाली थी, लेकिन जज प्रताप सिन्हा इसे फांसी के तख्ते से ले उड़ा, इसे बेगुनाह साबित करने के लिए। यानी इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। तुम ठीक कहते हो डागा, इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। और यह तस्वीर डागा तुम्हारी है। तुम पे फक्र है और हमेशा रहेगा डागा। पंजीते, अगर ये जिंदा रह जाता और अगर सुनील प्रताप सिन्हा के हाथ लग जाता तो फांसी का फंदा इसकी गर्दन के साथ साथ हमारी गर्दन से भी अपनी प्यास बुझाता। लेकिन सुनील और प्रताप सिन्हा का अब क्या होगा? उन दोनों के पीछे तो पुलिस लगी हुई है रंजीते। अगर हम कोई अपना आदमी उन्हें खत्म करने के लिए भेजते हैं तो हम भी पुलिस के लपेटे में आ जाएंगे। रंजीते, किसी ऐसे बारूद की तलाश करो जो फटकर प्रताप सेना की हस्ती को तबाह करने के लिए तड़प रहा हो। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। तेरी खोपड़ी के लिए एक ही बात है। अगर मारना चाहते हो तो 6 की 6 गोली हमारी खोपड़िया में उतार दो, क्योंकि अगर हमारे जिस्म में थोड़ी भी जान रह गई तो हम तुझको जान से मार डालूंगा। गुड, मुझे ताकत की नहीं हिम्मत की तलाश थी। अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए ताकत से ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, और हमारी बर्बादी का बदला लेने के लिए वो हिम्मत है हम में। किससे बदला लेना चाहते हो? इससे? खाली है। कौन हो तुम? तुम्हारी तरह जज प्रताप सिन्हा का एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ उसकी मौत की खबर ही नहीं बल्कि उसकी लाश भी देखना चाहता है। ये रहा तुम्हारा एडवांस, रखो इसे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम बदला चुकाने के लिए जिंदा हूं, पैसा कमाने के लिए नहीं। सिर्फ इतना बताओ, प्रताप सिन्हा के जिस्म का कौन सा हिस्सा देखना पसंद करोगे? अगर तुमने अपना दोस्त समझ ही लिया तो प्रताप सिन्हा की मौत की खबर अखबार में पढ़कर ही काम चला लेंगे। लेकिन जज प्रताप सिन्हा तक पहुंचने से पहले तुम्हें इस सुनील नाम की दीवार गिरानी होगी। हाँ,
अच्छा है, इसका हिसाब चुकाना भी बाकी था, वो भी हो जाएगा। ये लो रुपए, उस जज और मुजरिम तक पहुंचने में शायद तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। क्या साहब, कब तक, आखिर कब तक छुपे रहेंगे हम यहाँ? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हम यहाँ भुस्तिलों की तरह छुपे हुए हैं और वहां डीवीएम आजादी से घूम रहा है। मेरी बहन की लाश मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या तुम उसके गले तक पहुंच पाओगे? यही कहना चाहते हैं ना आप कि पुलिस हमें ढूंढ रही है? बाहर निकलकर हमारी मौत भी हो सकती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ, यही कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि डीवीएम मुजरिम है। मैं ये भी मानता हूं कि हम दोनों बेकसूर हैं, लेकिन तुम ये मत भूलो कि इस वक्त मुजरिम डीवीएम नहीं तुम हो, जो फांसी के फंदे से भागे हुए हो, और तुमसे बड़ा मुजरिम मैं हूं, जो एक जज होते हुए भी एक कातिल को फरार होने में उसकी मदद की है। मैंने इतना बड़ा जुर्म सिर्फ इसलिए किया है कि मल्होत्रा के असली कातिल यानी तुम्हारे हमशक्ल को ढूंढकर अदालत में पेश कर सकूं और तुम्हें बेगुनाह साबित करके तुम्हें इंसाफ दिला सकूं। लेकिन ये वक्त जज्बा से नहीं, अकल से काम लेने का है। अगर तुम दोनों जिंदा बचोगे तभी तो अकल से काम ले सकोगे। उस दिन हमने तुम पे हमला किया था जज साहब, और इसने तुम्हें बचा दिया था। आज तुम दोनों को कौन बचाएगा? जज साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मुझे बचा के कोई फायदा नहीं। एक बार डीवीएम के हाथों से तो कोई भी बच सकता है, लेकिन मंगल सिंह जैसे खतरनाक आदमी के हाथों से कोई नहीं बच सकता। मुझे तो वैसे भी मौत ही थी, चाहे वो फांसी के फंदे से हो या फिर मंगल सिंह के हाथों से। लेकिन जज साहब, आपने तो मेरे साथ साथ अपनी भी जान खतरे में डाल दी। मैं सुनील बोल रहा हूँ। कौन सुनील? हाँ, वही मुजरिम जो जज साहब को भगा कर ले गया था। मेरा मतलब है जज साहब जिसे भगा कर ले गए थे, वो मुजरिम। हाँ हाँ, वही सुनील। जरा भाभी को फोन दीजिए। हाँ ठीक है। भाभी जी। हाँ भाभी जी, जल्दी आइए। क्या है? आइए आइए जल्दी। किसका फोन है? किसका फोन है? जज साहब के मुजरिम का फोन है। हेलो सुनील, सुनील कहाँ हो तुम लोग? भाभी जी, आप अपनी तरफ से कुछ मत बोलिए। प्रताप साहब और मैं दोनों ठीक है। हमें कुछ रुपयों की जरूरत है, आप हमें इमीडिएटली सुप्रीम शॉपिंग सेंटर के टेरेस पे मिलिए। ओके, ठीक है। सुप्रीम शॉपिंग सेंटर है ना? भाभी जी, आप घर से बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि तुम अपने भाई को गिरफ्तार करना चाहती हो। अपने भाई को नहीं,
मुजरिम प्रताप सिन्हा को कहो। अश्विनी ये पागलपन छोड़ दो। प्रताप जो कुछ भी कर रहे हैं किसी को निर्दोष साबित कराने के लिए कर रहे हैं, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। अश्विनी, अश्विनी, सुजाता, प्रताप, सुजाता, प्रताप, 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 देखो, अश्विनी, मैं जानता हूँ, वो मुझे गिरफ्तार करने गई है। I am proud of my sister, लेकिन उसे ये अंदाजा लगाना चाहिए था कि मैं किसी के जरिए उसे फोन करके उसे बाहर भेज सकता हूँ ताकि मैं अंदर आ सकूँ। खैर छोड़ो, जल्दी से रुपए लेकर आ जाओ। ठीक है, अभी लाई। नटवर सुनो, सुनील और मुझे। जज साहब, अपने घर से पुलिस का पहरा हटाकर आपने बहुत अच्छा काम किया। मंगल सिंह, आप अपने साथ सुनील को भी ले आते तो हम बड़ा आभारी होता आपका। खैर उससे तो हम बाद में निपट लूंगा, पहले हम आपसे तो निपट लूं। सुनो मंगल सिंह, कुछ सुनाई नहीं दे रहा हमें, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उस दिन आपने हमारी नहीं सुनी थी, आज हम आपकी नहीं सुनूंगा। उस दिन आपने हमें एक साल की सजा सुनाई थी, आज हम आपको सजाए मौत दूंगा। बाबा, राजू, अरे राजू बेटा, तुम यहां कैसे? राजू बेटा, तुम यहां कैसे? बाबा, आपके जाने के बाद अंकल मुझे यहां लेकर आए। ये अंकल तुम्हें यहाँ ले आए? हाँ, और मैं भी यहीं रहता हूँ, और अंकल मुझे स्कूल भी भेजते हैं, और आंटी मुझे रोज घुमाने को भी लेकर जाती हैं। जज साहब, आपने मंगल पर इतना बड़ा उपकार किया, और ये मंगल अपनी तबाही का बदला लेने आपके पास चला आया। अरे तू है हमारी जिंदगी पर, तू नहीं है। मंगल नहीं, नहीं साहब, हमें माफ कर दो साहब, हमें माफ कर दो। आपने हमारे बेटे को यहां पर लाकर हम पर जो उपकार किया है ना, आपको इस नेकी का बदला जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा साहब, जरूर मिलेगा। आप जिस मकसद के लिए निकले हैं ना, देखना ऊपर वाला आपको इसमें कामयाबी जरूर देगा। अरे साहब, ये सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, मगर ये मंगल आपके साथ है। मंगल, डोंट मूव। मिस्टर प्रताप, एक जज होकर इतना भी नहीं समझ सके कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान काम नहीं है, और अब चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम पर गोली चलाने में मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होगी। गोली चलाने में मुझे भी कोई झिझक नहीं होगी। चलो, देखो तुम लोग कानून से इतना बच नहीं सकते, छोड़ दो मुझे। सुनील, सुनील, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। साहब, हम भी आप लोगों के साथ चलूंगा। ठीक है, हमें सबसे पहले सुनील की हमशक्ल को ढूंढना होगा। लेकिन उसे कहां ढूंढेंगे? डागा को चरस की लत है, वो जरूर किसी चरस के अड्डे पे होगा। बस अपना काम हो गया है। अरे अपना भाई है ना अकबर चरसी, वो सब चरस के अड्डे पर जानता है, अपने को वही डागा तक पहुंचाएगा। चलो चलो। गुड इवनिंग ब्रदर। वालेकुम सलाम। अंग्रेज चले गए कचरा छोड़ गए। क्या हाल है एंटनी भाई? इस चर्ची भाई की याद कैसे आई? माकी को खबर लाई? बोल राज खोल। ओ सुनील भाई, इनसाइड कमिंग। वालेकुम सलाम डागा भाई, बहुत दिन बाद ही शक्ल नजर आई, इतने दिन का देवा। मैं डागा नहीं, सुनील हूं। अरे डागा भाई, बस क्या, इस नीली आंखों पे काले बटन लगाने से क्या अपन भज जाते क्या? एकदम लगा के सब पहचानता हूँ बाबा। ए भाई, ये जो तू आंखें देख रहे ना, ये ओरिजिनल है, ये डागा का हम शक्ल है। अल्लाह, तेरे डागा ने एक को लुड़का दिया और फंस गया ये, और अपने को डागा चाहिए क्या? समझ गया सारा मैटर, तो ये डबल रोल का है चक्कर, फिकर मत कर। ये अपने इंसल्ट नहीं कर रहे ना भाई? अबे तेरी काय की इंसलेट बे, बड़ा हूं तेरे से दो लाभा मारूंगा तो चुपचाप खा लेने का, तेरे से बाद में भिड़ता हूं। अच्छा सुनील भाई,
टागा से मिलना है ना, मेरे साथ राजबरी में चलना होगा। राजबरी? हाँ राजबरी, ये टागा है ना वहीं पे दम मारने आता है, और ऊपर है ना उसकी एक डाव है, क्या नाचते मन से मजा आएगा। डाव? माशाल्लाह। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई डाव है ना गर्लफ्रेंड। अकबर भाई अपने बड़े भाई के साथ गाड़ी में दो ब्रदर और बैठे ले। अच्छा, इनको ले जाके डागा से मिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, अपना काम खत्म। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, म्युनिसिपैलिटी भी अपनी है, उधर लोग मिटाने जाते हैं गम, और उसका नाच देख के निकल जाता है अच्छे अच्छों का क्या दम। अरे हाँ। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस कमरे में पहली बार आ रहे हो। टागा बहुत मतलबी हो तुम, मेरी जरूरत पड़ती है तो चले आते हो, वरना पूछते भी नहीं। वो डीवीएम यहाँ आता है? डीवीएम तो कम आता है, मगर उसका जो कुत्ता है ना रंजीते, वो अक्सर आता है यहाँ। अच्छा हाँ? कब आता है वो? वो उसका आने का कोई टाइम? मौत का कोई टाइम नहीं होता। रोना डागा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अब तुम्हारी बारी। लगता है तुम्हारी मौत हमरे ही हाथों लिखी हुई है। लो भाई तुम ही टिराही करो। मैं सब बताता हूं, मैं दागा का पता बताता हूं। चल लाश इसके अंदर है। इसे मारकर इसकी लाश को इस तरह रखने का मतलब? सुनील को फांसी लगने के बाद डीवीएम दागा की लाश को दुनिया के सामने लाकर यह बताना चाहता था कि मल्होत्रा का असली कातिल दागा है, लेकिन जज प्रताप सिन्हा ने एक बेगुनाह को सजाए मौत दी ताकि वो। मैं समझ गया कि डीवीएम क्या चाहता है, लेकिन अब जो हम करेंगे वो डीवीएम का बाप भी नहीं समझ पाएगा। वेरी गुड रंजीत, वेरी गुड, शाबाश। आज तुमने डीवीएम पे बहुत बड़ा एहसान किया, जो प्रताप सिन्हा और सुनील को यहां का रास्ता बता दिया और डागा की लाश को उन्हें ले जाने दिया। डीवीएम अगर मैं, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो लोग तुम्हें जान से मार देते, तो तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? डीवीएम अगर वो दागा की लाश को उठाकर ले गए तो दागा की लाश को वापस कैसे लाना है इसका तोड़ है मेरे पास। मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दो, मैं दागा की लाश को तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। जो प्रताप सिन्हा हमारे घर में घुसकर लाश लेकर चला गया वो तुम्हें आसानी से लाश दे देगा। बहुत आसानी से देगा डीवीएम, बहुत आसानी से। वो कैसे? आ!
हेलो मिसेस प्रताप सिन्हा, मैं आपका शुभचिंतक डीवीएम बोल रहा हूं। आपके पति के नाम एक पैगाम है, उनसे कहिएगा कि उनकी इंस्पेक्टर बहन इस वक्त मेरे कब्जे में है। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ भाभी? नटवर, तुम्हें फौरन प्रताप के पास जाना होगा। डीवीएम, मेरी बहन कहाँ है? मेरे पास है और हिफाजत से है, और उसके बदले में मुझे बहुत छोटी सी और बेकार सी कीमत चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? डागा की लाश। लाश ले आओ और जिंदा बहन ले जाओ, और हाँ, अकेले आना, वरना लाश के बदले लाश मिलेगी। पता लिखो। क्या कहा डीवीएम ने? डीवीएम ने डागा की लाश लेकर बुलाया है, वो भी अकेले। की लाश तुम्हारे सामने है, मेरी बहन को छोड़ दो। ऐसी भी क्या जल्दी है प्रताप सिन्हा? हमने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा इंतजार तुम भी करो। सबर करो, रिलैक्स। पहले हम देख तो लें कि इस कॉफिन में डागा की लाश है भी या नहीं। तसल्ली, अब कर दो मेरी बहन को आजाद। आजाद कर दो? हाथ आए पत्तों को फाड़ कर फेंक दो। तुम मेरी अदालत में आए हो प्रताप, यहां मेरा फैसला चलता है, यहां तुम जज नहीं, मुजरिम हो मुजरिम। और तुम्हारा पहला जुर्म इंसाफ की कलम से मेरे भाई का कत्ल। तुम्हारा दूसरा जुर्म एक सजाए याफ्ता मुजरिम सुनील को फांसी के फंदे से ले उड़े। तुम्हारा तीसरा जुर्म सुनील को बेगुनाह साबित करने के लिए तुमने डागा की लाश गायब कर दी, जबकि सुनील का मर जाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके मर जाने से मेरी दो समस्याएं हल होती थी। एक तो मेरे पार्टनर की मौत, जिसे मैंने डागा के जरिए तुम्हारी आंखों के सामने करवाई थी, उसका सबूत मिट जाता, और दूसरी ये कि तुम्हारे फैसले पर एक बेगुनाह फांसी चढ़ जाता। मैं तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जमीर को झंझोड़ना चाहता था प्रताप, बदनाम करना चाहता था मैं तुम्हें। मगर डागा की लाश को गायब करके तुमने मेरे लिए कब्र खोद दी प्रताप। बट नेवर माइंड, मैं अपने सारे राज तुम दोनों भाई बहनों के साथ साथ तुम्हारे ही बनाई हुई कब्र में दफन कर दूंगा। तू क्या समझता है, हमें मार देने से तू बच जाएगा? अरे एक शख्स और भी है जो तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। सुनील की बात कर रहे हो ना तुम? अरे उसे तो तुमने फांसी की सजा सुनाकर जीते जी कफन पहना दिया। फरार मुजरिम है वो, पुलिस को जहां दिखाई देगा मारा जाएगा। तो ये खुशफहमी जो है ना, इसे छोड़ दो और ये बताओ कि कैसे मरना चाहोगे। इससे, उससे या फिर इससे?
गोली खत्म हुई और अच्छाई की जीत हुई। यस, और गॉड ने अपुन की भी सुन ली क्या? और हम तीनों हुबहू जिसको ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गई, यानी अंबर, अकबर, अंतुनी की माँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे तीनों बेटे मुझे मिल गए। अब एक ही चिंता है, इन तीनों हुबहू के लिए मुझे लानी है बहू। आपकी नजर में हो तो जरा जरूर बता देना, लेकिन बहू चाहिए मुझे हुबहू। बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता, ये फूल ये गुलशन अच्छा नहीं लगता। सजनी के